भाई साहब 1994 में जाते हुए तो रॉकेट हो जाती है गाड़ी। शूज भी जल चुका है यार, मेरे को पता नहीं था ब्रेक पैड पे पैर रख दिए थे या फिर कहाँ, बट भाई साहब सही बता रहा हूँ, इतना प्यारा फील भाई, एकदम अग्रेशन पावर काफी बढ़िया है यार। सो वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सिंह जी एस व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप यू गाइस वेयर अप से ल्यूटली फाइन। एंड आज है काफ़ी बढ़िया डे और अपन आ चुके हैं जस्ट होटल हाई वेकिंग के बाहर और आज अपने पास एक बार फिर है एडवेंचर यस जी की। और आज का ये वीडियो आप टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि किस रिगार्डिंग होने वाला है। सो जी हाँ, आज है इसका टॉप स्पीड टेस्ट। सो अपन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट करेंगे, इसमें तीन अटैम्प्ट के अंदर अपन को स्पीड पता चल जाएगी इसकी। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग एंड तक ज़रूर देखना और अगर गाइज इससे पहले इस चैनल पर फर्स्ट टाइम होना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए यार, एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू तो दे ही दिया एंड में एक बार आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए। तो काफ़ी बढ़िया है यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट अटैम्प्ट, तो लेट गेट स्टार्टेड। तैतीस, तो एक बार रोक लेते हैं, फ्लाईओवर के नीचे आ रहे हैं अपन तो काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है यार, आते वक्त वाट लगने वाली है क्या। हाँ तो गाइज आपने देखा होगा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये गई है 133, तो यार काफी शॉकिंग रिजल्ट। अभी सेकंड अटेम्प्ट लेंगे अपन, तो अब अपन लेते हैं सेकंड अटेम्प्ट। होप सो यार यहाँ पे मिल जाए अपन को स्पेस। लेट गेट स्टार्टेड। 109 ट्रैफिक। भाई साहब सही बता रहा हूँ, इतना प्यारा फील भाई, एकदम अग्रेशन पावर काफी बढ़िया है यार, लिटरली अमेजिंग। वो एकदम फटाफट जो रिस्पांस देने वाला जो सीन है ना, वो इस गाड़ी में आपको मिलेगा। का शूज़ भी जल चुका है यार, मेरे को पता नहीं था ब्रेक पैड पे पैर रख दिए थे या फिर कहाँ, बट भाई साहब 1994 पे जाते हुए तो रॉकेट हो जाती है गाड़ी। और राइट गाइस, सो यार अपन अभी राइड करके आ चुके हैं ये एडवेंचर यसडी की। सो यार काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस गाड़ी को लेकर, और यार इससे पहले भी आपने प्रीवियस ब्लॉग जो देखा होगा वो इसका डिटेल और राइड एक्सपीरियंस था, उसमें भी काफ़ी एक अच्छा, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो आई बटन में यार लिंक आ रहा होगा तो ज़रूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो के अंदर यार मैं बोलना चाहूँगा, एक बार अपन ने बोला था स्टार्टिंग के अंदर जो टू स्टेप मतलब जो थ्री स्टेप लेने वाले थे अपन नहीं ले पाए जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक यार, ट्रैफिक हाईवे पर भी आपने देखा भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, तो उस रिगार्डिंग अपन रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि एक हाई सीसी की जो बाइक्स होती हैं उनके लिए क्लीन रोड चाहिए होता है। बट फिर भी अपन ने इसके अंदर टू स्टेप के अंदर जो स्पीड निकली है इसकी
फर्स्ट स्टेप के अंदर 133 के समथिंग ये गई थी। देन जो सेकंड अटेम्प्ट अपन ने लिया उसके अंदर इसकी जो टॉप स्पीड निकल के आई है 140 निकल के आई है, वो भी एक काफ़ी अच्छी निकल गई है। और 140 जब ये चल रही थी ना, और लिटरली यार उस टाइम भी ऐसा कोई वाइब्रेशंस वाला इशू नहीं हो रहा था कि गाड़ी जो कंट्रोल हो जाती है ना वो नहीं, बिल्कुल एकदम कंट्रोल में थी। ऑल तो इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड निकल के आई है वो 140 के निकल के आई है। तो आई होप आपको सिंपल सोबर ब्लॉग पसंद आया। इस वीडियो में इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं इसी किसी नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए टिल द टाइम बाय, राइड सेफ।